कौन सा आदमी, देखिए बीजेपी बीजेपी अपनी मेहनत से जीतती है ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की गलतियों के कारण वो बेनिफिट ले लेती है, तुरंत लपकती है। सर नोटबंदी बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक गेम प्लान था, 4 दिन पहले 10 दिन पहले 12 दिन पहले कैंपेन कर देने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। सर पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज है, आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज मेहनत करना पड़ेगा टॉप टू बॉटम। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण मौका अगर देखा जाए ना तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल कंसल्टिंग में एक वर्ड होता है पॉलिटिकल ऑटोटमी, पॉलिटिकल कैनाबिलाइजेशन या पॉलिटिकल सुसाइड। गुजरात इलेक्शन में केवल मणिशंकर जी के एक शब्द ने, नी आगे वाला वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, पूरे गेम को बिगाड़ दिया। कांग्रेस वहां पे जीत रही थी और एक दिन के भीतर चेंज हो गया। आपने जो बातें कही गुदगुदी हो गई है कि मिश्रा साहब को? हमारे साथ मुद्दे की बात पे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं नोएडा से, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ देखिए मिश्रा साहब जो है पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, शासकार हुए हैं, अमेठी का मुद्दा होगा ना उसने रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे, अमेठी का मुद्दा भी निकालेंगे। एक सेकंड राजीव सर भी मेरे साथ हैं, एक सेकंड एक मिश्रा साहब आप निकाल लीजिएगा सर, आप निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा प्लीज, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड अमेठी के मुद्दे पर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड, मेरा सवाल सीधे है कि मिश्रा साहब आपसे ये है, बीजेपी वाले तो है नहीं, सीना ठोक के कहते हैं रमन सिंह, लेकिन आजकल चावल वाले बाबा वहां पर दारू वाले बाबा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का समीकरण या सेमीफाइनल आप क्या लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, आपको लगता है कि संकेत होगा राजस्थान हो, संकेत होगा सेमीफाइनल कह सकते हैं? चावला जी आपका सवाल बड़ा सही है, राजस्थान और ये जो 2-3 स्टेट है उनके लिए नहीं है, स्टेट लेवल का जो इलेक्शन होता है और जल्दी ही नेशनल लेवल का है, तो पूरा एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट 2019 के चुनावों के लिए भी बनेगा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा पब्लिक में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत पहले गुजरात इलेक्शन के पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक चैनल पे कि नो मोर क्लीन स्वीप ट्रेंड बाई बीजेपी। गुजरात इलेक्शन के बाद बीजेपी का क्लीन स्वीप का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया, बॉर्डर लाइन से जीतना हारना सरकार बनाना वो दूसरी चीज है। देखिए आपने पहले बोला था चैलेंज किसके लिए है, भाई चैलेंज उसके लिए है जो 15 साल से जिसके सर पे सत्ता का ताज है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्हीं के लिए है, लेकिन चैलेंज ये कांग्रेस के लिए भी है। और ये जो ट्रायंगुलर पूरा मुकाबला बन गया है अजीत जोगी जी जो पहले कांग्रेस में थे और एक क्षेत्र विशेष पे एज ए निश पॉलिटिशियन की तरफ बहुत बड़ा अपना प्रभाव रखते हैं और शायद वो रेफरी का रोल प्ले करेंगे कि सरकार किसकी बने किसकी ना बने, जैसे कर्नाटक में हुआ। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण मौका अगर देखा जाए ना तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल कंसल्टिंग में एक वर्ड होता है पॉलिटिकल ऑटोटमी, पॉलिटिकल कैनाबिलाइजेशन या पॉलिटिकल सुसाइड। गुजरात इलेक्शन में केवल मणिशंकर जी के एक शब्द ने, नी आगे वाला वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, पूरे गेम को बिगाड़ दिया। कांग्रेस वहां पे जीत रही थी और एक दिन के भीतर चेंज हो गया। मैंने इसलिए राजबब्बर साहब का ये बयान, नहीं मैं राजबब्बर का भी मैं बोलता हूं, उठाया मैं बता रहा हूं राजबब्बर, देखिए राजबब्बर साहब को पहले से ये बताया गया था, स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ये बोला था, क्योंकि नक्सलियों का कहीं ना कहीं मल्टीलेयर प्रभाव है। पहला प्रभाव यह है जो वो खुद जाके वोट देते हैं और दूसरे गांव वालों को प्रभावित करते हैं, बोलते हैं कि वोट दो, तो उन्होंने निश वोट बैंक को साधने की कोशिश की। लेकिन पॉलिटिक्स देखिए, राजबब्बर साहब फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर अलग हैं, बार बार उनको पढ़ने का याद करने का मौका होता है, चांस दिया जाता है, यहां स्टेज पर रिहर्सल का मौका नहीं होता है, तो संभाषण जो होता है जो आप बोलते हो जरा सी गलती से पूरा का पूरा गेम बिगड़ जाता है, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट कुछ और दिया, बाद में वो पलट गए। कौन सा आदमी, देखिए बीजेपी अपनी मेहनत से जीतती है ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की गलतियों के कारण वो बेनिफिट ले लेती है, तुरंत लपकती है। यही गलती राजबब्बर साहब ने फिर किया है और कांग्रेस इसको इनकैश करेगी, कांग्रेस डिक्लेयर कर देगी, कन्विंस करवा देगी कि भाई देखिए ये तो नक्सली को जो है क्रांतिकारी बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो देश का एक सेंटीमेंट होता है ना वो कभी भी, देखिए देश की परंपरा के खिलाफ जा करके आप बाहर, आप पाकिस्तान के आतंकवादियों को बोल दोगे कि वो तो भारत भक्त है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? गुजरात वाला इलेक्शन होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो ओसामा जी भी हो जाते हैं फिर वो तो ओसामा जी भी हो जाते हैं, अलग कहानी हो जाएगी। राजीव सर, मैंने पॉलिटिकल ऑटोटॉमी, पॉलिटिकल कैनिबलाइजेशन, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सुसाइड करना, सबसे बड़ा मौका कांग्रेस के पास है,
लेकिन इनको संभाषण जो कला होती है डायलॉग डिलीवरी की, मोनोलॉग डिलीवरी की, वो इनको सीखना है जो मुझे लगता है। के मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं जो कि राजनीति के जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है फोन लाइन। देश की इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है और ब्लैक मनी जिन लोगों पर था उन लोगों पर कड़ा प्रहार हुआ है, इसीलिए लोग बैठ के विपक्ष में विरोध विरोध चिल्ला रहे हैं। आम आदमी कहीं ना कहीं डिसीजन से खुश हुआ है। आपने जो बातें कही गुदगुदी हो गई है कि मिश्रा साहब को, एक सेकंड वापस आइए छत्तीसगढ़ पर। अगर नोटबंदी का खाका अभी 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 एक के मिश्रा साहब ने निकाल दिया ना, तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, आप दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए नोटबंदी मैंने खाली मुद्दा पूछ लिया कि कामयाबी थी तो गानी चाहिए ना, वहां पर कामयाबी हमारी है। खैर आगे संदीप द्विवेदी, नोटबंदी हमने जहां जहां कामयाबी की जरूरत पड़ी नोटबंदी ने हमें सफल करके दिखाया। यूपी में सर मैंने तो पूछ लिया, मेरे जहन में सवाल आया, आपने नोटबंदी को लेकर वोट नहीं मांगे, मैंने पूछ लिया। एक मिनट सर, नोटबंदी आपने की थी फाइनेंशियल करेक्शन के लिए कि चुनाव में वोट जीतने के लिए, बटोरने के लिए? आप इन दोनों में जरा क्लियर करिए। आप या तो ये बोल दीजिए कि नोटबंदी हमने किया था चुनाव जीतने के लिए, तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बोला था कि हम नक्सलवाद से जो है फाइट करने में सफल होंगे, ब्लैक मनी को हम खत्म करेंगे? नोटबंदी का पर्पस क्या था सर, आप यही बताओ तो मुझे। अरे अरे मिश्रा, अरे मिश्रा जी, अगर कोई सरकार स्टेप लेती है तो स्टेप जरूरी नहीं कि इलेक्शन के लिए। सर आप बता दो ना कि नोटबंदी हमने इसलिए की थी ताकि हम इसको पॉलिटिकल माइनस ले सके। एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, संदीप अपनी बात रखिए। जी देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी स्कीम है सरकार कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए लेके आती है, और जनता को जब दिखता है कि हाँ सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया और उससे हमें फर्क पड़ा है, तो जनता सरकार की, जनता को याद दिलाते ना नोटबंदी का। आज तो दिन भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था, दो साल पहले का वक्त। सर नोटबंदी बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक गेम प्लान था। यूपी में चुनाव हम जीत गए, आपने नोटबंदी को यूपी से जोड़ लिया, लेकिन आज तैयार नहीं हो रहे आप। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए थे? हमारा फेस नहीं था छत्तीसगढ़ में, हमारे पास कमजोरी है ये तो। लेकिन एक मिश्रा साहब, एक पहलू ये भी है सर, एक सेकंड, क्योंकि आपने कहा कि चेहरे का जिक्र एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिनके चेहरों के आधार पर चुनाव लड़े गए, पार्टी की परफॉर्मेंस तो सुधरी लेकिन वो खुद चुनाव हार गए, ऐसे कई उदाहरण हैं। भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड में भी एक उदाहरण है, वो अपना चुनाव तक हार गए थे, तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं सर। एक मिश्रा साहब, तो फिर रमन सिंह ताकत है कमजोरी, ये कैसे तय हो जाएगा? चावला जी देखिए, अगर आप ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके दम पे चुनाव जीता जाता है और इसका पाई चार्ट बनाइए, तो उसमें एक लोकल चेहरा, एक नेशनल लेवल का चेहरा, जैसे नेशनल लेवल पे राहुल गांधी हो गए, मोदी जी हो गए, लोकल लेवल पे 500 और फैक्टर उस पाई चार्ट में आते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन होता है। जो आपने अभी बोला कि चेहरा बड़ा मजबूत था किसी स्टेट लेवल पे लेकिन इलेक्शन हार गए, तो पता चला जो दूसरे और फैक्टर थे, आपने घोटाले पे घोटाले किए हैं, आप ठीक से कैंपेनिंग नहीं कर पाए, आपने कोई सेल्फ सुसाइडल जो है स्टेटमेंट दे दिया, एक्टिविटी कर ली, तो उससे भी आप हार जाते हैं। लेकिन चेहरा ना होना लोकल लेवल पे, देखिए ये एक वॉर है, कई फ्रंट पे कई जगह पे आपकी फौजें खड़ी हैं, तो सेनापति होना तो जरूरी है ना। अगर लोकल सेनापति छत्रप है आपका, तो बेटर मैनेजमेंट होता है, पब्लिक को ज्यादा कन्विंस करने में आसानी होती है, उनसे टच बना रहता है। तो चेहरा ना होना ये एक डीमेरिट है, और कांग्रेस का ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। आपको पता है 4 साल पहले से कि वहां इलेक्शन होने वाला है, तो इसका मतलब आप अपने लोकल लेवल पे नेताओं को ग्रूम नहीं करते हैं क्या? क्यों नहीं ग्रूम करते हैं? 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले कैंपेन कर देने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। सर पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज है, आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज मेहनत करना पड़ेगा टॉप टू बॉटम, और यही कांग्रेस गलती कर रही है। ऐसे यूपी में इन्होंने किया, जाके टाई अप कर लिया, रिजल्ट क्या रहा? आप मेरिट की जगह वो डीमेरिट हो गया इनका, जीतने की जगह ये और गलत चले गए। एक सेकंड, हमें पूरी उम्मीद है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कर्नाटक में भी बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को भी और आपको भी। सर उम्मीदें तो कई हैं, हम लीडिंग पार्टी थे और सर लार्जेस्ट पार्टी होना दूसरी चीज है, सरकार बनाना दूसरी चीज है। मुख्यमंत्री के अंडर में क्लर्क बन के काम करना नहीं थी, अलायंस किया हुआ है सर, मुख्यमंत्री की नौकरी कर रहा है। अच्छा सुनिए सर, वो नक्सलवाद किसी भी फॉर्म में, नक्सलवाद किसी भी फॉर्म में इस देश के लिए सही नहीं है, इस तरीके की गतिविधियां ठीक नहीं है। उनको कैसे खत्म किया जाए, उनका खात्मा कैसे किया जा सकता है, इस पे बैठकर बैठक करनी चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए।
अर्बन नक्सलवाद होता है। देखिए घुमाने का काम हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हमारा यही कहना है नक्सलवाद जो है नक्सलवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप 15 साल से सत्ता में काबिज है और आप बता रहे हैं कि आपने कितने नक्सलवादी गतिविधियों में खत्म हो सकता है, आत्मसमर्पण कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच रही है और सेटिस्फाई आप उस चीज को नहीं सुलझा पा रहे हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी में आपकी पॉलिसी पैरालाइज्ड है। राजीव सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे। ये बड़ा दिलचस्प वहां पे समीकरण दिखाई दिया। ये कहते हैं कि विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे, हमने जनता के लिए काम किया, धान का कटोरा, पीडीएस घोटाला, पैमाला घोटाला, ये तमाम तरह की बातें वहां पर। लेकिन एक तरफ एक रुख दिखाई देता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहली बार मुख्यमंत्री बने और तमाम मुख्यमंत्री जो चार चार तीन तीन पांच टर्म के मुख्यमंत्री हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वो आते हैं सामने और उनके पैर छूकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट मांगते हैं। इसका क्या संकेत है सर, क्या समझे हम? जी देखिए,